प्रदेश का मतदान है वो 36.73% अभी तक हो चुका है। और अब बात करेंगे अन्य राज्यों की, जहां पर कितना वोटिंग प्रतिशत अभी तक दर्ज किया जा चुका है, कितना आंकड़ा पहुंचा है वो आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में सबसे पहले 34.62% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अच्छे खासे मतदान यहां पर हुए हैं, 34.79% वोटिंग यहां पर दर्ज की गई है। झारखंड में 41.89% यहां पर वोट कास्ट हुआ है। लद्दाख में अभी तक 52.2% यहां पर वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, थोड़ा कम है, 27.78% यहां पर वोट कास्ट हुआ। ओडिशा में 35% से ज्यादा, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे 39.55% यहां पर वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 48.41% वोटिंग हुई। और ये देखिए आप, जहां पर पश्चिम बंगाल साथ ही झारखंड यहां पर अच्छे मतदान हुए हैं, जो मतदान प्रतिशत है काफी अच्छा, और सबसे ज्यादा जो वोटिंग प्रतिशत है वो लद्दाख से सामने आया है। और अब आप पांचवें चरण के मतदान की कुछ अलग अलग तस्वीरें देखिए, जहां पर तमाम जो सियासी जो दिग्गज है उनसे लेकर जो कलाकार है वो भी वोट कास्ट करने पहुंचे थे। लखनऊ में जहां पर राजनाथ सिंह वोट कास्ट करने पहुंचे, स्मृति ईरानी भी अमेठी में नजर आई, जहां पर उन्होंने जायजा भी लिया। मुंबई में आप देखेंगे पीयूष गोयल वोट कास्ट करते हुए नजर आए थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी वोट किया और सभी से वोट की अपील की। लखनऊ की एक और तस्वीर देखिए, जब मायावती वोट कास्ट करने पहुंची और उन्होंने सभी से वोट की अपील की, उनका यह कहना था कि इस बार जनता खुद चुनावी मैदान में है। और एक तस्वीर, एक पूरा फ्रेम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सलमान खान वोट करने के लिए पहुंचे थे, सलीम खान भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, गोविंदा चीची मामा भी पहुंचे थे वोट करने के लिए। और अलग अलग तस्वीरों में आप देखेंगे धर्मेंद्र जहां वोट कास्ट करने पहुंचे, उन्होंने अपने विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कहा कि सभी लोग वोट जरूर करें। हेमा मालिनी भी अपनी बेटी के साथ वोट डालने के लिए पहुंची थी। आर माधवन अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने पहुंचे। कैलाश खेर ने भी वोट किया और सभी से अपील की कि वो भी वोट जरूर करें। नेहा धूपिया भी पहुंची वोट करने के लिए। अक्षय कुमार तो सुबह 7 बजे के आसपास ही पहुंच गए थे वोट कास्ट करने के लिए और काफी खुशी उन्होंने जाहिर की। फरहान अख्तर भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंची। राजकुमार राव भी आपको नजर आए, उनका यह कहना था कि दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक मतदाता के लिए वोट जरूर करें। सान्या मल्होत्रा भी वोट करने पहुंची। जानवी कपूर का भी एक अलग ही अंदाज नजर आए वोट कास्ट करने जब वो पहुंची। और परेश रावल वोट करने पहुंचे। सुनील शेट्टी भी इस दौरान नजर आए हैं और उन्होंने भी न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि वोट आपको जरूर करना है, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। ये मेरा निशान, मेरा स्वाभिमान और मेरी मीडिया के दोस्तों के माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि घरों से निकलिए। ये सब लोग भी देखिए गर्मी में 34-35 डिग्री में खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप भी घरों से निकलिए और वोट दीजिए। अगर आप वोट नहीं आज देते हैं और अपना लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें। बहुत लंबी लाइन थी, इतने सारे लोगों को मैंने पहली बार वोटिंग बूथ पे देखा है, तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई फील होपफुल कि सब आके वोट देंगे आज, किसी को आलस महसूस नहीं होनी चाहिए आज के दिन। आज मुंबई बाहर निकली है वोट करने। हर एक को मतदान करना चाहिए, हर एक ने मतदान करना चाहिए, ये अपने अस्तित्व की निशानी है। हमारी जिम्मेदारी है मुंबई की, हर मुंबईकर की जिम्मेदारी है कि आज निकल कर बाकी के देश को रास्ता दिखाएं। जिन चीजों से हम नाखुश रहे हैं इतने सालों से, उन चीजों को बदलने का मौका यही है। मैं सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा कि आइए वोट कीजिए। जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, जिन्होंने आपका काम किया है, उनके लिए वोट दीजिए। रण की ये और कुछ अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये उन इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर कुछ समय पहले वोटिंग को लेकर काफी विरोध होता था, लेकिन इस बार देखा गया है पिछले बार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बारामूला में अच्छे खासे वोट पड़े। लद्दाख की तस्वीर आपने देखी, 1 बजे तक में यहां पर 52% वोट हुआ है। हिंदवाड़ा में भी अच्छे खासे वोट यहां पर डले। बांदीपोरा की भी तस्वीरें आपने देखी है, बड़गांव में भी वोट डाला गया। और सीधे रुक करेंगे और जगहों पर मुंबई में किस तरीके की वोटिंग प्रतिशत हुए, प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, ऋषभमणि त्रिपाठी अमेठी से जुड़ गए, विनीता मिश्रा हाजीपुर से, यहा सुल्तान कुपवाड़ा से जुड़ गई हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले तो हम प्रशांत के पास पहुंचते। प्रशांत, मुंबई में अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हमने ये देखा है कि वीआईपी जो बड़े स्टार हैं वो जरूर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अन्य राज्यों की तुलना में मुंबई में वोटिंग प्रतिशत कम है, लेकिन जो बहुत बिजी स्केड्यूल वाले हैं वो जरूर पहुंचे वोट डालने के लिए। प्रशांत,
अगर आंकड़े देखे जाए तो 27.78 यानी 30% भी अभी तक जो है मतदान मुंबई में नहीं हो पाया है, महाराष्ट्र में नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर देखा जाए आखिरी चरण का मतदान है, क्योंकि 5 ही चरण में महाराष्ट्र में मतदान होना है, आज आखिरी दिन है। 6 सीटें मुंबई में है, लोकसभा सीटें। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, मुंबई के NA हॉस्पिटल स्कूल है, जहाँ पर यहाँ पर सभी अभिनेता पहुंचकर मतदान किए। कुछ समय पहले यहाँ पर संजय दत्त पहुंचे थे, VIPs जो है काफी लंबी लिस्ट यहाँ पर थी, उनकी काफी लंबी फेरिस थी। लेकिन अभी आप देखें मतदान केंद्र के बाहर आपको लोग नजर नहीं आते होंगे। वजह यह है कि दोपहर का वक्त हो चुका है, गर्मी की वजह से लोग नहीं आ रहे, और खास तौर पर युवाओं यानी यूथ का योगदान इस बार मतदान में काफी कम देखने को मिला है। जाने माने चेहरे, चाहे संजय दत्त की बात करें आप, यहाँ पर आई थी जाह्नवी कपूर, सवेरे आकर मतदान करके गई। जो अभिनेता है रणबीर कपूर, यहाँ दीपिका पादुकोण के साथ पहुंचे थे, उनका मतदान यहाँ पर हुआ है। सभी यहाँ पर जाने माने चेहरे पहुंच चुके हैं। आमिर खान इस लिस्ट में बाकी हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि देर शाम तक वो जरूर यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे हैं, या तो सीनियर सिटीजन के तौर पर तस्वीरों में सामने आए, या फिर जाने माने चेहरे सामने आए, सभी ने युवाओं से अपील की है कि भारी संख्या में बाहर निकले। लेकिन आंकड़े जो है वो थोड़ा निराश जरूर कर रहे हैं महाराष्ट्र और मुंबई की जनता। बिल्कुल, और उम्मीद है अभी भी कि शायद वोट कास्ट का प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है शाम के पहले पहले कुछ युवा और निकले बाहर और वोट डालें। ऋषभ मनी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े। ऋषभ मनी, अमेठी हाई प्रोफाइल सीट, सियासत में एक अलग ही उबाल यहां पर देखने को मिलता है हमेशा। कितना वोटिंग प्रतिशत यहां पर देखा जा रहा है, किस तरीके का माहौल अभी वहां पर बना हुआ है? ऋषभ मनी, देखिए अभी अगर सिर्फ अमेठी की बात की जाए तो अमेठी लोकसभा में 1 बजे तक 38% मतदान हो चुका है, और पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 39.55% यहां पर मतदान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी से यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रत्याशी है, अपना वोट कास्ट कर चुकी है। उनका सीधी लड़ाई यहां पर सपा कांग्रेस गठबंधन के किशोरी लाल शर्मा है, जो काफी लंबे समय तक गांधी परिवार के यहां पर प्रतिनिधि भी रहे हैं। सुबह के वक्त हमने देखा 11 बजे तक तो जो मतदान चल रहा था वो एक अच्छी स्पीड से चल रहा था, लेकिन इस वक्त दिन के करीब 2 बज चुके हैं, उससे ऊपर का समय है। इस वक्त जितने भी पोलिंग बूथ है वहां पर सन्नाटा पसर गया है। जो सुरक्षा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, पुलिस के हों, पैरामिलिट्री के हों, वो यहां पर मौजूद हैं। कुछ बूथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एजेंट यहां पर मौजूद हैं, लेकिन आम वोटर्स फिलहाल बूथों पर नजर नहीं आ रहे हैं। वजह ये भी है, काफी धूप और गर्मी, करीब 42 डिग्री करीब यहां पर टेम्परेचर इस वक्त है, तो उस टेम्परेचर का असर यहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर इस वक्त बिल्कुल शून्य है यहां पर इस वक्त वोटर्स की संख्या। और अमेठी की बात कर लेते हैं, जैसा आप खुद कह रही थी काफी हाई प्रोफाइल प्रेस्टिजियस सीट है ये, और 2019 में ही गांधी परिवार से ये सीट स्मृति ईरानी ने छीनी थी, करीब 52,000 वोट से उन्होंने ये चुनाव, पिछला चुनाव जीता था। इस बार गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा उनके सामने हैं, तो यहां पर लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई। जितने भी बड़े चेहरे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, सभी बड़े चेहरे अमेठी में जरूर आए हैं, और दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी कोशिश की है। कुछ समय पहले यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उन्होंने एक रोड शो किया है, और प्रियंका गांधी, और चाहे विधानसभा के इलेक्शन